मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने निजी कार्यक्रम के दौरान बुधवार को इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानून पर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये किसानों के शोषण का कानून है और इस तरह का कानून लाने से देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के साथ न्याय हुए, उन्हें सही मूल्य मिले, ये आज हमारी प्राथमिक नीति रहनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ये नए कानून लाएंगे, ये किसान के शोषण का कानून है। सर, उम्मीद है राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप कर निराकरण करवा पाएंगे? मैं नहीं जानता क्या होगा, ये सरकार पर है, राष्ट्रपति जी का तो जो एक एडवाइजरी रोल है, पर सरकार को इसमें हकीकत समझनी चाहिए। हवा में आज ये जो सरकार चल रही है, ये हमारे पूरे देश को बर्बाद करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।